Dear students, I am Dr. Sashikant Amrakar from Bharti College of Agricultural Engineering Durg. I will teach theory of machine of BTEC first year second semester class. Next is epicyclic gear train. In an epicyclic gear train, the axis of shaft over which the gear are mounted may move related to a fixed axis. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये गियर A है, उससे कनेक्टेड ये गियर B है और दोनों आर्म C से कनेक्टेड हैं. O1 ये सेंटर है, O2 इसका सेंटर है और ये एक इस पर फिक्स है, एक रिंग पर फिक्स है. ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है इन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, जो शाफ्ट का जो एक्सिस है ओवर विच द गियर आर माउंटेड, जो शाफ्ट का एक्सिस है जहां पर गियर माउंटेड है ओ वन ओ टू, मे मूव रिलेटिव टू अ फिक्स एक्सिस. तो यही जो है वो फिक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर सकता है. ये इज द फिगर ऑफ सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन. ये सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है. द गियर ए एंड सी, gear A and arm C, A and arm C have a common axis at O1. ये दोनों का common axis O1 पे है, about which they can rotate. तो यहाँ पर ये gear A और arm C दोनों O1 point के about rotate कर सकते हैं. And second, gear B meshes with gear A. यहाँ पे B जो है वो A से mesh कर रहा है, has its axis on the arm at O2. तो इसका O2 पर है एक्सिस, अबाउट विच द गियर बी कैन रोटेट. O2 के अबाउट गियर बी रोटेट कर सकता है और O1 के अबाउट गियर ए रोटेट कर सकता है और आर्म सी भी रोटेट कर सकता है. ऐसा इनका कंस्ट्रक्शन है. सो इफ द आर्म इज फिक्स्ड, ये जो आर्म है इसको हम लोग फिक्स कर दें, द गियर ट्रेन इज सिंपल, तो गियर ट्रेन हमारा सिंपल हो जाएगा एंड गियर ए कैन ड्राइव गियर बी. यहाँ पर गियर ए जो है वो गियर बी को ड्राइव करेगा और वाइस वर्सा. बट इफ गियर ए इज फिक्स्ड, ठीक है, अब यहाँ पर गियर ए को फिक्स कर दिया, वो मूव नहीं करेगा, ठीक है, एंड आर्म इज रोटेटेड, और इसके बाद आर्म रोटेट हो रहा होगी थी, ठीक है. अबाउट द एक्सिस ऑफ गियर ए, गियर ए की एक्सिस के अबाउट, ओ वन के अबाउट ये आर्म ऐसा मूव हो, आर्म रोटेट होगा, ठीक है. देन गियर बी इज फोर्स टू रोटेट अपॉन एंड अराउंड गियर ए, जो बी जो है वो फोर्स टू रोटेट अपॉन एंड अराउंड गियर ए, ए की ऐसा मूव होके जाएगा, ठीक है. सच ए मोशन इज कॉल्ड एपिसाइक्लिक. तो ये क्या होता है कि जब भी आपका गियर बी रोटेट अपॉन एंड अराउंड गियर ए, ए के ऊपर से रोटेट होगा, अराउंड उसके चारों ओर मूव करेगा, सच ए मोशन इज कॉल्ड एपिसाइक्लिक एंड द गियर ट्रेन अरेंज इन सच ए मैनर, ठीक है, ये जो मोशन होता है उसको एपिसाइक्लिक मोशन बोलते हैं. एंड द गियर ट्रेन अरेंज इन सच ए मैनर दैट वन और मोर ऑफ देयर मेंबर्स मूव अपॉन एंड अराउंड अदर मेंबर, तो एक से ज्यादा मेंबर या उसके और मेंबर जो हैं वो दूसरे के ऊपर से मूव होके आते हैं, तो इसको हम लोग एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन बोलते हैं. सो दे आर नोन एज एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन. ईपी मीन्स अपॉन एंड साइक्लिक मीन्स अराउंड, यानी किसी के ऊपर घूमे, ठीक है, और अराउंड ऐसे चारों ओर घूम जाए, ठीक है. सो दीज आर नोन एज एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन्स. द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन्स में भी सिंपल और कंपाउंड, ये जो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड. दीज आर यूजफुल फॉर ट्रांसमिटिंग हाई वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, ये हाई वेलोसिटी रेशियो ट्रांसमिट करने का काम आता है विद गियर्स ऑफ मॉडरेट साइज इन ए कंपेरेटिवली लेसर स्पेस. तो क्या है, वहां पर जगह छूट रहेगा, वहां पर इस तरह की मशीनरी यूज कर देंगे, वहां पर गियर के साइज भी छोटे रहेंगे, ठीक है,
और हाई वेलोसिटी या एक गियर से दूसरे गियर में ट्रांसमिट करने के काम आता है, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में ट्रांसमिट करने के काम आता है। दीज गियर ट्रेन्स आर यूज इन बैक गियर ऑफ लेथ, लेथ होता है वहां पर बैक गियर लगाने का काम आता है। डिफरेंशियल गियर फॉर ऑटोमोबाइल्स, जितने भी ऑटोमोबाइल्स इंजन होते हैं वहां पर डिफरेंशियल गियर यूज होता है, वहां पर ये SIP साइक्लिंग गियर ट्रेन यूज होता है। हॉइस्ट में, पुली ब्लॉक में सामान वगैरह उठाने के लिए पुली ब्लॉक यूज करते हैं, हॉइस्ट यूज करते हैं, और रिस्ट वॉचेस जो हमारी घड़ी होती है रिस्ट वॉचेस, इनमें सब ये EP साइक्लिंग गियर ट्रेन को यूज किया जाता है। मीन्स इस तरह की गियर ट्रेन का बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है, जो हमारे वर्कशॉप वगैरह होते हैं, मशीन वगैरह बनाते हैं जहाँ पे हम लोग, वहां पर ये यूज होता है। ये कुछ मशीनों के नाम भी दिए हुए हैं। ऑटो बेस जो होते हैं उनमें बहुत तरह के गियर बॉक्स यूज होते हैं, वहां पर ये यूज होता है EP साइक्लिंग गियर ट्रेन। नेक्स्ट इज EP साइक्लिंग गियर ट्रेन, वेलोसिटी रेशियो ऑफ EP साइक्लिंग गियर ट्रेन। टू फाइंड आउट द वेलोसिटी रेशियो हियर आर टू मेथड्स, फर्स्ट इज टेबलर मेथड एंड सेकेंड एल्जेब्रिक मेथड। फर्स्ट वी विल डिस्कस टेबलर मेथड। हियर वी हैव टू कंसिडर एन EP साइक्लिक गियर ट्रेन। लेट TA द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर A एंड TB द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर B। TA इज नंबर ऑफ टीथ ऑन A एंड TB इज नंबर ऑफ टीथ ऑन B। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज दैट द आर्म इज फिक्स्ड। ओके, दिस आर्म वी हैव टू फिक्स। देन देयरफॉर द एक्सिस ऑफ बोथ द गियर्स आर आल्सो फिक्स्ड रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये आर्म को हमने फिक्स कर दिया, ये जो दोनों एक्सिस हैं वो भी एक दूसरे के रिलेटिवली फिक्स हो गए, क्योंकि गियर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। व्हेन गियर ए मेक वन रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, दिस गियर ए वन रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, गियर ए मेक वन रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। द गियर बी विल मेक, देन दिस गियर बी, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस गियर बी विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो हियर द गियर बी विल मेक TA बाय TB रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। एज वी नो NB बाय NA इक्वल टू TA बाय TB। हियर NA इज वन रिवोल्यूशन, NA हैज बीन टेकन वन रिवोल्यूशन, सो NB इक्वल टू TA माइनस TB। एज्यूमिंग द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एज पॉजिटिव, ये आपको ए का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जो बी का जो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो द क्लॉकवाइज रोटेशन एज निगेटिव। वी मे से दैट व्हेन गियर ए मेक प्लस वन रिवॉल्यूशन, ये जो गियर ए है ये प्लस वन पॉजिटिव में एक रिवॉल्यूशन लेगा, वन रिवॉल्यूशन लेगा, देन द गियर बी विल मेक माइनस TA बाई TB रिवॉल्यूशन। सो वी हैव टू मेक वन टेबल। हियर आर द स्टेप्स 1, 2, 3, 4। कंडीशन ऑफ मोशन, आर्म फिक्स गियर ए रोटेट थ्रू प्लस वन रिवॉल्यूशन। अभी आपको बताया कि भाई एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको प्लस वन रिवॉल्यूशन बढ़ेंगे, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। सो एट दैट टाइम आर्म सी को हमने पहले से फिक्स बोला हुआ है, ठीक है, और ये बाकी भी रिवॉल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। गियर ए का प्लस वन एंटी क्लॉकवाइज है प्लस वन, गियर बी माइनस TA बाई TB, ये ऐसा इसका रिवॉल्यूशन मिलेगा। सेकेंडली इफ गियर ए मेक प्लस एक्स रिवॉल्यूशन, देन गियर बी विल मेक माइनस एक्स इंटू TA बाई TB रिवॉल्यूशन, दैट इज माइनस एक्स TA बाई TB रिवॉल्यूशन। दिस स्टेटमेंट इज इंटर इन द
सेकेंड रो ऑफ द टेबल एक्स रिवोल्यूशन आर्म फिक्स गियर ए रोटेट थ्रू प्लस एक्स रिवोल्यूशन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द आर्म सी विल बी जीरो एंड गियर ए प्लस एक्स एंड गियर बी एक्स इंटू टी ए बाई टी बी मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दिस कॉलम्स विथ एक्स प्लस एक्स नाउ थर्डली ईच एलिमेंट ऑफ एन इपी साइक्लिक ट्रेन इज गिवन प्लस वाई रिवॉल्यूशन एंड एंटर इन द थर्ड रो अब क्या किया ये थर्ड रो हमको जो बनाना है प्लस वाई रिवॉल्यूशन सभी पे डालना है तो यहां पर जीरो प्लस वाई कर दिया तो ये प्लस वाई आ गया गियर ए जो है वो यहां पे एक्स था यहां पे प्लस वाई कर दिया प्लस वाई आ गया और ये थर्ड वाले पे भी प्लस वाई ये सभी पे हमने वाई का रिवॉल्यूशन प्लस में एंटी क्लॉकवाइज ऐड कर दिया देन इसके बाद टोटल मोशन ये टोटल मोशन ये हमने ये कॉलम है ये सभी को ऐड कर दिया यहां पर जीरो प्लस वाई में प्लस वाई आ गया यहां पर गियर ए में वन यहां पे वन को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स है एक्स प्लस वाई मीन्स हम लोग सेकेंड और थर्ड वाले को जोड़ रहे हैं ठीक है एक्स प्लस वाई यहां पर देखा वाई माइनस एक्स टी ए बाई टी बी वाई माइनस एक्स टी ए बाई टी बी फाइनली मोशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द गियर ट्रेन इज एडेड अप एंड इंटर्ड इन द फोर्थ रो तो ऐसा ही हमने ऐड करके ये फोर्थ रो में हमने बना लिया अ लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट व्हेन टू कंडीशंस अबाउट द मोशन ऑफ रिवॉल्यूशन रोटेशन ऑफ एनी टू एलिमेंट आर नोन देन द अननोन स्पीड ऑफ थर्ड एलिमेंट मे बी ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन डाटा इन द थर्ड कॉलम ऑफ द फोर्थ रो ये फोर्थ रो का जो है थर्ड कॉलम यहां पर ऐड कर देंगे हम लोग ये तीन कोई वैल्यू को डाल देंगे तो फोर्थ वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये ऐसा आपको टेबलेशन मेथड होता है ये टेबलेशन मेथड बहुत जगह यूजफुल रहता है बहुत ज्यादा यूज होता है जिससे हम यहां पर सेकेंड एन बी का निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ बी नेक्स्ट इज एल्जेब्रिक मेथड This method of each element of a p-cyclic gear train related to the arm is set down in the form of equation. तो यहाँ पर equations के थ्रू चलेंगे. The number of equations depends upon the number of elements in the gear train. तो किसी भी gear train में जितने element रहेंगे उसके ऊपर ये depend करेगा कितने equations यहाँ पर बन रहे हैं. But the two conditions are usually supplied in any p-cyclic gear train. मेन इम्पॉर्टेंट होगा दो तरह की चीजें यहाँ पर सप्लाई रहेंगी लाइक सम एलिमेंट इज फिक्स एक तो यही कुछ ना कुछ एक ना एक एलिमेंट जो है वो यहाँ पर फिक्स रहेगा है ना एक फिक्स रहेगा तब दूसरे का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एंड द अदर एलिमेंट हैज स्पेसिफाइड मोशन और जो अदर एलिमेंट है उनको स्पेसिफाइड मोशन जैसा कि अभी हमने टेबलर वाले में देखा हुआ था एंटी क्लॉकवाइज मोशन दिया और दूसरा वाला जो है वो क्लॉकवाइज मोशन मिल रहा था ठीक है वैसे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फिक्स रहेगा दीज टू कंडीशंस आर सफिशियंट टू सॉल्व ऑल द इक्वेशंस तो जितने भी इक्वेशंस बनेंगे उसके लिए ये मेन कंडीशंस हैं भाई फिक्स रहेगा और अदर कोई स्पेसिफाइड मोशन रहेगा ठीक है द मोशन ऑफ एनी एलिमेंट इन द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन लेट द आर्म सी बी फिक्स्ड इन एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन यहाँ पर भी फिर से आपने आर्म सी को फिक्स कर दिया इन एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन देयरफॉर स्पीड ऑफ गियर ए रिलेटेड टू आर्म सी इज एन ए माइनस एन सी एंड स्पीड ऑफ गियर बी रिलेटेड टू आर्म सी इज एन बी माइनस एन सी Since gear A and B are matching directly, therefore they will revolve in opposite direction. ठीक है दोनों opposite direction में revolve कर रहे हैं So NB minus NC,
divided by Na minus Nc, that is equal to minus Ta by Tb. Okay, minus Ta by Tb. Since arm C is fixed, therefore its speed Nc equal to 0. वहां पर आपको डायग्राम दिखाया हुआ था मैंने, वहां पर आर्म सी को हमने सबसे पहले फिक्स किया तो इसका स्पीड एन सी जीरो हो जाएगा। यहाँ पर दोनों जगह पर जीरो रख देंगे तो एन बी बाई एन एक्वल टू माइनस टी ए बाई टी बी, दैट इज एन बी बाई एन एक्वल टू माइनस टी ए बाई टी बी। इफ गियर ए इज फिक्स्ड, अब यहीं पर फिर से कंडीशन आ रहा है कि गियर ए को हमने फिक्स कर दिया तो एन ए आपका जीरो हो गया, ठीक है, एन ए जीरो हो गया। एन बी माइनस एन सी डिवाइडेड बाई जीरो माइनस एन सी इक्वल टू माइनस टी ए बाई टी बी। सो एन बी बाई एन सी इक्वल टू वन प्लस टी ए बाई टी बी। द टेबुलर मेथड इज ईजियर एंड हेंस मोस्टली यूज इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन एपिसाइक्लिक गियर टेस्ट। ये दो मेथड भी हमने डिस्कस कर लिए, टेबुलर मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। दोनों मेथड में से आपको टेबुलर मेथड ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड थोड़ा दिक्कत लगता है एल्जेब्रिक मेथड में। तो हमको जब ये क्वेश्चन में बनाने होंगे तो हमको टेबुलर मेथड से ही बनाने होंगे हमारे एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम लोग आगे चल के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे।